आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 6 मैथ्स में लिस्ट नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स में पेज नंबर 16 एक्सरसाइज 1.2। उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 रुपीस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,768 रुपीस इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। तो कीर्ति बुक स्टोर नाम की एक बुक स्टोर है, उसने फर्स्ट वीक ऑफ जून में 2,85,891 रुपीस की बुक सेल की थी और सेकेंड वीक ऑफ जून में 4,768 रुपीस की बुक्स उसने सेल की थी। तो अब हमें इसे क्या करना है, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द टू वीक्स टूगेदर। तो हमें फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक को मिला के उसने टू वीक्स का टोटल कितने बुक्स सेल किया, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टूगेदर है तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा तो हमें आंसर मिलेगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, सेल इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में कितनी बुक सेल हुई थी, 2,85,891। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,85,891। अब हम क्या करेंगे, सेल इन सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक में कितना सेल हुआ था, 4,768। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,768। यहाँ पे टुगेदर है तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1+8 हो जाएगा 9, 9+6 हो जाएगा 15, 1 कैरी कर लेंगे और 5 यहाँ पे लिख देंगे, 1+8 हो जाएगा 9 और 9+7 हो जाएगा 16, 1 कैरी कर लेंगे और 6 यहाँ पे लिख देंगे, 1+5 हो जाएगा 6 और 6+0 6 ही रहेगा तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे 8+0 है तो 8 ही रहेगा क्योंकि नीचे 0 है। यहाँ पे अब क्या है, 2+4 है तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल टू वीक्स का कितनी सेल हुई है वो हमारा आंसर आ जाएगा 6,86,659 रुपीस की टोटल सेल हुई है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो हमें इन दोनों वीक में से कौन से वीक में सबसे ज्यादा सेल हुआ था तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दो ये है 2 लाख और यहाँ पे है 4 लाख। तो सेकेंड वीक में ज्यादा बुक्स सेल हुई थी तो सेल ऑफ सेकेंड वीक इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट वीक। तो हम ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड वीक की ज्यादा बुक्स सेल हुई थी तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,768 इज ग्रेटर देन 2,85,891 जो फर्स्ट वीक ऑफ जून में बुक सेल हुई थी। अब यहाँ पे है बाय हाउ मच। अब वो पता तो चल गया कि सेकेंड वीक में ज्यादा सेल हुआ था तो अब कितना ज्यादा सेल हुआ था फर्स्ट वीक से वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हमें कभी भी कितना ज्यादा फाइंड करना हो तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सेल इन सेकेंड वीक क्योंकि पहले ये सबसे ग्रेटर है तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 4,768। अब क्या लिखेंगे, सेल इन फर्स्ट वीक लिखेंगे क्योंकि सेकेंड वीक हमने लिख दिया तो 2,85,891 हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8-1 हो जाएगा 7, 6-9 पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे 7 कट करेंगे और 6 भी कट करेंगे, 16 कर देंगे और इसको 6 कर देंगे। 16-9 करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अब क्या करेंगे, 6-8 भी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 9 कर देंगे, इसको भी 9 कर देंगे और इसको 3 कर देंगे। अब यहाँ पे 6 है तो 16 हो जाएगा, 16-8 हो जाएगा 8 और 9-5 हो जाएगा 4, 9-8 1 हो जाएगा और 3-2 हो जाएगा 1। तो सेकेंड वीक से फर्स्ट वीक कितना बड़ा है वो हमें मिल गया। फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक 1,14,877 रुपीज से बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।